बाबूजी ऐसे बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। बाबूजी आपको हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम झूठ बोल रहे हैं तुमसे? नहीं, देखो। अच्छा तो बताइए ये जो अखबार है ये उल्टा क्यों है? हाँ वो इसीलिए कि हम देखना चाहते थे कि अखबार उल्टा पढ़ा जा सकता है या नहीं। बाबूजी आप हमेशा हमसे कहते हैं कि जब दिल में ऐसी कोई बात हो जो हमारे मन को विचलित कर रही हो तो उसे कह देना चाहिए। तो बताइए आप ये सब बातें अपने मन में बिठाए क्यों बैठे हैं? अगर आप बोलेंगे तो इससे परेशानी कम होगी ना। अच्छा ठीक है आप एक काम करिए आप हमसे अपनी परेशानी बांटिए और हम अपनी खुशी बांटेंगे तो देखिएगा हम दोनों कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। अपने बाबूजी को कितने अच्छे ढंग से समझती है, उससे भला कोई नाराज कैसे हो सकता है। लेकिन इस बार बात अलग है, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। दादी, ये गौरी की ना चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल हिम्मत आना। अरे बच्ची है वो, नादानी कर रही है तो हम लोग को ना दादी उसे नादानी करने से रोकना होगा। छत पर चढ़ के बोल रही हो कि धक्का दे तो कहां हम लोग उसको धक्का दे देंगे। दादी हमें तो इतना बुरा लग रहा है ना जैसे कि हमने किसी का खून कर दिया हो। अरे जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी मन्नू की कहां गलती है? झूठ कहे तो कहो दादी, हमने कितनी मुश्किल से ना अभी मन्नू को गौरी से शादी करने के लिए मनाया था, आप तो जानती हैं। अरे कितना साथ दिया उसने हमारी गौरी का। दादी केवल पैसों की बात ही नहीं है, प्यार प्यार भी तो कितना करता है ना वो अपनी गौरी से। हमें तो इतना बुरा लग रहा है दादी कि किसी का ना दिल ही नहीं पसीज रहा हमारे अभिमन्यु के लिए। हमें भी अभिमन्यु बहुत पसंद है। और बेटा अभिमन्यु तुम्हें पसंद भी करता है, और क्या चाहिए तुम्हें? बाबूजी अभिमन्यु हमें पसंद करते हैं लेकिन हम नहीं। और अगर हम ये कहें कि शिव तुम्हारी जिंदगी के लिए सही फैसला नहीं है तो तुम जानती हो तुम पछताओगी। नहीं बाबूजी हम कभी नहीं पछताएंगे, शिव बहुत अच्छा लड़का है बाबूजी, वो कभी जानबूझकर भी हमें नहीं रुला सकता, तो नुकसान पहुंचाना तो बात ही नहीं है। अरे नुकसान पहुंचाया नहीं है आज तक, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इंतजार करें कि वो कब हमें नुकसान पहुंचाएगा। बाबूजी हम सिर्फ आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि शिव के साथ हुई पुरानी घटन बातें क्या भुला नहीं सकते। देखो बेटा हम थोड़ी देर के लिए पुरानी बातें चलो कैसे भी समझ लें पर शिव के अंदर अभी हजारों समस्याएं हैं। शिव जैसे लड़के के लिए शादी केवल एक खेल है और उसमें तुम उसका साथ देकर एक अच्छे रिश्ते को ठोकर मार रही हो। हमारा नहाने का वक्त हो गया है, चलते हैं। लगता है भाभी ने दादी और बाबूजी को कुछ ज्यादा ही उकसा दिया है। सबसे पहले हमें ये दिक्कत खत्म करनी पड़ेगी। कुछ बात बनी? क्योंकि तुम्हारी मोहल्लत खत्म होने में अब थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद फैसला मेरा होगा। हाँ हाँ पता है, अब अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, होने वाला है और जब होगा ना तब हमें कहना। वैसे भी दादी और बाबूजी एक हद तक मान गए। एक हद तक? और वो हद क्या है? शिव को जिंदा छोड़ देंगे कि उसको टपकाने की सुपारी नहीं देंगे? हाँ शिव तुम भी ना, तुम और तुम्हारे जोक्स सीरियस बात को भी ना मजाक बना देते हो, बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमारी। ओके ओके बाबा बताओ क्या बात है। अब हम कुछ नहीं बता रहे क्योंकि पता है मांग कर मिलने वाली चीज को ना भीख कहते हैं। तुम्हारे भी ना ताने कुछ कम नहीं है। अच्छा बताओ ना क्या कहा गुरुजी और दादी ने? हाँ कहा तो कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए फिर देखना। ओके बाबा जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
तुम्हें अभी के अभी मुझसे मिलने आना होगा, अभी। शिव, हम ना ना बाबा ना, हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी, अभी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी आओ। ओके बाय। भाई तेरी तो लग गई, अब तू क्या करेगा? गौरी के घर वाले तो मानने से रहे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे भगा के ले जाऊं, जल्दी से, हमेशा के लिए उसे अपना बना। भाई सुन, मेरी राय है कि अभी कुछ मत कर। ए भाई, मैं तेरी राय लेते बैठा ना, तो मेरी ऐश्वर्या राय बच्चन बन जाएगी। अरे तू टेंशन मत ले यार, मुझे लगता है एक प्लान है। तुलिका के पापा ना मोहन अंकल और दादी को कन्विंस करने की कोई तरकीब सोच रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? अरे अभी कुछ हुआ नहीं यार, पर जैसे ही कोई आइडिया आए ना मैं तुझे बताता हूँ। जल्दी करना थोड़ा, वरना मेरा आइडिया भी रेडी है। अबे तू रख अपने आइडियाज अपने पास। मेरे ससुर जी इतने स्मार्ट है ना, इतने सुपर स्मार्ट है ना, कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे यार, बता दूंगा। ओके, फोन करके बताना मुझे, अभी मुझे कहीं जाना है। ओए मिस्टर, ये सब क्या है? अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। अब देखो, तुम्हारी बिरयानी तो पकने से रही। अरे बिरयानी तो छोड़ो, तुमने तो अभी तक आग भी नहीं जलाई, इसलिए मेरी बात मानो। एक काम करते हैं, चलो मेरे साथ। देखो मैं सारा सामान भी ले आया हूँ, साथ में पैसे भी हैं, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। तुम भी ना, सिर्फ तुम। एक मिनट, कहीं जाना मत, तुम्हें जवाब देना है। रुको। हाँ तुलिका, बोलो। गौरी गौरी गौरी, तुम कहाँ हो? जहाँ गई थी, और जल्दी से तुम सन की कैफे पहुँचो। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे बीच में कुछ? अरे हमारी लाइफ में क्या होगा, वो तो तुम दोनों की लाइफ में रहा है। क्या? कुछ नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, तुम दोनों की लव स्टोरी में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और वो सब कुछ मैंने ना डैड को बताया, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो तुम्हारी लव स्टोरी में कुछ मदद कर सके, तो बस इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ओके ठीक है, हम अभी पहुँचते, वैसे भी यहाँ खड़े होकर हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, जल्दी से आना। ओके बाय बाय। अच्छा तो मेरे साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है मेरे साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसे शिव, एक बात तो हमने पक्का डिसाइड कर लिया, शादी की बात ना सारे डिसीजंस हम ही लेंगे। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? और नहीं तो क्या, ये सब क्या है अगर कुछ नहीं किया है तो? और तुम हमें कह रहे हो कि बिरयानी नहीं पक रही, और तुम जो ये ख्याली पुलाव पका रहे हो वो जैसे रस से भरे है ना। शादी कर लेंगे, चलो अभी भाग चलते। वाओ, व्हाट एन आईडिया। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ कि फोन पे बात क्या हुई? तुम्हें क्यों बताए, तुम एंजॉय करो ना अपनी बिरयानी और पका हुआ पुलाव इन द लंच। बाय बाय। अरे अरे पर मैंने ऐसा क्या कह दिया, वैसे भूख तो बहुत लग रही है, कुछ खाया जाए। अब्दुल, सच कहे तो आप हमारे परिवार वालों को अच्छे से जानते नहीं है, और खास करके तुलिका की फेवरेट कमला भाभी को। थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन अंकल हम मैनेज कर लेंगे। अरे गौरी, माना कि कमला भाभी का नाम लो तो दूर दूर तक गांव के बच्चे भी डरते हैं, पर एक बार जब हमारे पापा शुरू होते हैं ना, बोलने लगते हैं ना, तो राजधानी भी रुक कर आके सलाम करती है ना। और मैं तो लाइव एग्जांपल हूँ तुम्हारे सामने, पिछले दो दिन से जो हालत खराब की है ना इन्होंने। सन बिल्कुल ठीक कह रहा है, माय डैड इज द बेस्ट। लेकिन अंकल, आप उन लोगों से बात कब करेंगे? अरे वो क्या कहते हैं उसको, जब वो पैर वापस लेके जाते हैं ना, और ऐसे गोल गोल घूमते, या मुझे हिंदी के वर्ड्स नहीं आते, मैं क्या करूं? इट्स ओके बेबी, तुम टेंशन मत, मैं हूं ना। अरे अरे संत बेटा, होल्ड होल्ड बेटा होल्ड। ओ, उसे पक फेरा कहते हैं। ओह ओके डैड, हम लोग आज ही जाएंगे और सारा मामला सेट कर देंगे, ठीक है? हां बेटा बिल्कुल बिल्कुल। देखो गौरी बेटा, मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, अरे बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना किया हमने, ये तो छोटी सी बात है हमारे लिए। एग्जैक्टली। और रही शिव की बात, मैं माफी मांग लूंगा शिव की बेवकूफी के लिए। इतनी भी बेवकूफियां नहीं की है उसने, आखिर है तो हमारा शिव। ओ शिव की गौरी, तुझे तो अपना मनचाहा पति मिल रहा है ना, कैसे तूने 16 मंडेज रखे थे? अब बताकर क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत।